এখনো তুই বুঝেছ গুরু কৃষ্ণ ভুলে কা। সুন্দরবনস, a mystical land where the river meets the sea and nature weaves its most intricate tapestry. Amidst the labyrinth of mangroves lies one of the world's largest tiger reserves, home to the majestic Royal Bengal tiger. Welcome you all to our yet another vlog on world's largest delta, the Sundarbans, the land of the tigers, at Get Set Go, the travel vlog. तो हमारी जर्नी स्टार्ट होती है कोलकाता से गौतखाली के लिए, जहां से हम अपने रिसोर्ट फेरी करके जाएंगे। कोलकाता से गौतखाली कुछ 77 किलोमीटर दूर है, जहां पहुंचने के लिए 2.5 आवर्स लगते हैं। गौतखाली मेनलैंड इंडिया का लास्ट पार्ट है और इसके बाद सुंदरबन के आइलैंड स्टार्ट हो जाते हैं। गौतखाली इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मेनी बोट टूर्स एंड क्रूजेस इनटू द सुंदरबन्स मैनग्रोव फॉरेस्ट। गौतखाली पहुंचने के बाद हम निकल गए अपने फेरी की ओर। हमारे फेरी का नाम दादा गणेश था और फेरी में बोर्ड करते ही हमें वेलकम ड्रिंक्स में फ्रेशली कट कोकोनट वाटर दिया गया। दो बजते ही हमारा लंच रेडी हो गया और हम सब लंच करने बैठ गए। लंच करते हुए फेरी में घूमना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। खाना बहुत डिलीशियस था और व्यू तो लाजवाब था। सुंदरबन में घूमने के लिए आपको बुकिंग ट्रैवल एजेंट से ही करना पड़ेगा, जो आपको नंबर ऑफ नाइट्स के अकॉर्डिंग पैकेज देगा। हमने 2 नाइट्स एंड 3 डेज का पैकेज लिया था, जिसमें स्टे, फूड, फेरी एंड सुंदरबन टाइगर रिजर्व में सफारी इंक्लूडेड था। You can see the beautiful sun that is about to set. And I am watching this beautiful view. हमें अराउंड 3 घंटे तक सुंदरबन के अलग अलग आइलैंड्स में घुमाया गया और फिर इवनिंग में हम आ गए अपने रिसोर्ट पे, जो सोनागांव आइलैंड पे था। फेरी से रिसोर्ट जाने का रास्ता बहुत ट्रिकी था, क्योंकि सब जगह बहुत ज़्यादा कीचड़ था और कीचड़ की वजह से रास्ता बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी था।
finally we are going to our resort now, and the jetty ride was beautiful. And now we are finally going to a resort to relax. It was a beautiful, a little tiring day, but a lot of fun. होटल में चेक इन करने के बाद हमने रिलैक्स किया और फिर हम शाम के ट्राइबल डांस देखने के लिए रेडी होने लग गए। The performances by the local Sundarban tribal people were quite entertaining and engaging. The musical glory portrayed their way of life in the forest. I also could not resist myself and started enjoying dancing with these lovely ladies. We had a great time. Then we had our dinner and went to bed. We couldn't wait to embark on our jungle safari in the Sundarban Tiger Reserve the day after. Hello everyone, good morning. This is day 2 and we are out from our Sundarban wild camp where we were staying, and now we are again going to our boat jetty. So today hum sara din jungle Sundarban ki junglon mein ghumenge, bahut enjoy karenge. Mujhe thoda sa cold ho gaya hai, so one pro tip, aap log apne aap ko bahut acche se covered rakhiye jab aap boat jetty ki ride le rahe hain, when you are sailing through the boat jetty. So I am all packed today now. And hopefully I get to enjoy today and I feel better. See you. आज का दिन हमारे ट्रिप का सबसे इम्पॉर्टेंट डे है। आज हम सुंदरबन टाइगर रिजर्व के अंदर जाएंगे। हमारा फर्स्ट स्टॉप होगा सोजने खाली फॉरेस्ट ऑफिस, जहां से हम परमिशंस, फॉरेस्ट अप्रूव गाइड और टिकट लेंगे। सोजने खाली से परमिशन लेने के बाद हम निकल गए अपने फुल डे सुंदरबन टाइगर रिजर्व के सफारी में, जहां पे हम सुद्यन खाली, दो बांकी, कैनोपी वॉक, पीर खाली, गाजी खाली और पंचमुखनी, जिसको हम फाइव रिवर कन्फ्लुएंस भी कहते हैं, देखेंगे। यहां पे आप डियर, क्रोकोडाइल, वाइल्ड बोर, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ बर्ड्स और अगर लकी रहे तो रॉयल बंगाल टाइगर को भी देख सकते हैं। Thank you.
हमारा फर्स्ट स्टॉप था सुद्यनखाली। यहाँ पे हमें बोनो बीबी का मंदिर मिला जो सुंदरवन के देवता हैं। यहाँ के लोग बोनो बीबी को बहुत मानते हैं। यहाँ की मान्यता है कि बोनो बीबी ही यहाँ के लोगों की रक्षा करती है यहाँ के मैन ईटर टाइगर से। सुद्यनखाली के बाद हम निकल गए दोबंकी के कैनोपी वॉक पे। कैनोपी वॉक से आप पूरे सुंदरवन के जंगल को ऊपर से देख सकते हैं। हम लकी थे कि जब हम दोबंकी से वापस जा रहे थे तो हमें स्पॉटेड डियर दिखे और फिर सुंदरबन के फेमस क्रोकोडाइल दिखा। आफ्टर गेटिंग अमेजिंग शॉट्स ऑफ द क्रोकोडाइल एंड द स्पॉटेड डियर वी हेडेड टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन दैट वॉज पंचमुखनी और फाइव रिवर कन्फ्लुएंस। This place is the meeting point of five rivers: Gomti, Bidyadhari, Konakhali, Nabanki, and Hirobanga. After cherishing the beautiful view of the Panchamukhani spot, we headed back to our hotel. And on the way, we were lucky enough to witness the most beautiful sunset one can expect. This is the beauty of Sundarban. सुंदरबन की टाइगर सफारी हमारी यहीं ख़त्म होती है। हम वापस अपने होटल पहुँचे, फ्रेश हुए और फिर शाम के ट्राइबल फोक म्यूज़िक परफॉर्मेंस के लिए रेडी होने लगे। ये आर्टिस्ट यहाँ के फेमस फोक सॉन्ग्स जिसे बाउल संगीत कहते हैं वो गा रहे हैं। ये एक जॉनर है जो इन्फ्लुएंस है हिंदू भक्ति मूवमेंट्स और सूफी स्टाइल से। एट द हार्ट ऑफ बाउल म्यूजिक लाइज सिंप्लिसिटी, सिंपल मेलोडीज, सिंपल लिरिक्स, येट प्रोफाउंड इन देयर डेप्थ। यहाँ के लोकल्स बहुत टैलेंटेड है। परफॉर्मेंस से इन लोगों ने एक अलग ही समा बांध दिया था। इन लोगों के परफॉर्मेंस को देख के मुझे एक मूवी का बहुत फेमस डायलॉग याद आ गया, नॉट एवरीवन कैन बिकम अ ग्रेट आर्टिस्ट बट अ ग्रेट आर्टिस्ट कैन कम फ्रॉम एनीवेयर। डे टू का सफरनामा हमारा यहीं खत्म होता है। कल हमें वापस जाना है। हम थोड़े दुखी तो थे पर एक्साइटेड भी थे कल के एक नए और नायाब एक्सपीरियंस के लिए। डे थ्री की जर्नी स्टार्ट होती है एक डिलीशियस ब्रेकफास्ट से और ब्रेकफास्ट करते करते हम पहुंच गए सुंदरबन के फेमस मार्केट में जो है पाखीराला में। मार्केट में आपको अपने घर ले जाने के लिए बहुत सारे सोवेनियर्स मिल जाएंगे जो यहीं पे बनाया जाता है। यहाँ के सारे आइलैंड्स में जितने भी गांव हैं वो सारे सेल्फ रिलायंट हैं। शॉपिंग करने के बाद हम निकल गए अपने नेक्स्ट और लास्ट डेस्टिनेशन की ओर जो है हैमिल्टन बंगलो।
Hamilton Bungalow was built by the British colonist in the 19th century. The Hamilton Bungalow stands as a testament to the colonial legacy in the heart of the Sundarbans. It served as a residence or administrative building for British officials or wealthy individuals who were involved in the management of the Sundarbans region. In December 1932, Rabindranath Tagore ji have paid a visit to Gosawa and stayed at this bungalow. This place left a deep impression on him and led him to replicate similar development initiatives in Shantiniketan. There comes a time on every journey when one must say goodbye to this beautiful place. This trip will remain in our memories for a very long time. We met new people and became friends. We saw the raw beauty of Sundarban, which will remain in our heart for a very long time. So this comes to the end of our journey. I will share the complete itinerary along with the contact number of our travel agent in the description box below. We hope you like this video. Please subscribe our channel, Get Set Go, the travel blog. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.